हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको सर्दी में अपने घर को कैसे गर्म रख सकते हैं इसके बारे में टिप्स देना चाहूँगा। ठंड में बच्चों को, बुज़ुर्गों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। ठंड के कारण बच्चों को, बुज़ुर्गों को फीवर, फ्लू, कोल्ड, निमोनिया जैसी बीमारियां होने का चांस ज़्यादा रहता है। बच्चों को और बूढ़ों को कपड़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। शरीर को गर्म रखने के लिए उनको उलन के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही अपने घर को गर्म रखना भी काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। तो चलो देखते हैं अपने घर को हम कैसे गर्म रख सकते हैं। विंडो को आप देख सकते हैं और विंडो का अच्छी तरह से क्लोज कर लें और बोल्ट अच्छी तरीके से डाल लें। बाद में इसका जो कर्टन रहता है वो कर्टन काफ़ी थिक मटेरियल का होना चाहिए और उसको प्रॉपरली क्लोज कीजिए। आपके घर में कपड़े सुखाने के लिए जो क्लिप्स रहते हैं वो क्लिप्स को लें और चार या दो तरफ से उसको क्लिप कर लें। अच्छी तरीके से पैक होने पर ठंडी हवा बिल्कुल अंदर नहीं आएगी। सभी जगह पर क्लिप करने पर कुछ इस तरह से दिखता है। बेडरूम में आप एक ब्लैंकेट को ले सकते हैं और वो ब्लैंकेट को क्लिप करके अच्छी तरह से विंडो को पैक कर सकते हैं और उसके ऊपर आप कर्टन को भी पैक कर सकते हैं। इससे आपको ठंड बिल्कुल बाहर से नहीं आएगी और आपका बेडरूम काफ़ी गर्म रहेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इस तरह का क्लिप यूज़ किया है और ये उपाय से आपको रूम हीटर का ज़रूरत नहीं है और आपका बिजली का बचत भी हो जाएगा। इस तरह से बिना खर्चा किए ही आप अपने घर को गर्म रख सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।